राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। संसद सत्र के सातवें दिन मंगलवार 30 जुलाई को अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। ठाकुर ने फिर कहा, आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है, जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया। अखिलेश भी बोले, कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से बने पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया और हर दौर में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए कहा, मैं पूछता हूं कि हलवा किसे मिला। कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। मैंने कहा था, जिसको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। ठाकुर ने यह भी कहा कि असत्य के पेड़ नहीं होते और ये कांग्रेस पार्टी के कंधे पर सवारी करता है, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, राहुल गांधी के कंधे पर असत्य का बंडल होता है। इन टिप्पणियों के बाद सदन में हंगामा बढ़ गया तो स्पीकर ने राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर के जवाब देने के लिए अनुमति दी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।